दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पाइथन बिल्ट इन फंक्शन। हम लोग कुछ बिल्ट इन फंक्शन देखेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग मैथ मॉड्यूल भी हम लोग कवर करेंगे थोड़ा सा। ओके, तो हम लोग देखते हैं बिल्ट इन फंक्शन क्या क्या है। पाइथन बिल्ट इन मैथ फंक्शंस एंड मैथ मॉड्यूल। पहले हम लोग मैथ के ऊपर बात कर लेते। तो पाइथन हैज ए लॉट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस एंड ए मैथ मॉड्यूल फॉर एक्सटेंसिव मैथमेटिकल टास्क। कुछ बिल्ट इन फंक्शन मैथ्स के लिए पाइथन में ऑलरेडी है, तो हम लोग देख लेते क्या क्या है इसमें। तो पहले एग्जाम्पल को देख लेते, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, कुछ सेट ऑफ डेटा है 3, 5, 7, इसमें से कुछ मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम लोग क्या फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, मीन अप्लाई करेंगे, ठीक है। और मैक्सिमम के लिए क्या करेंगे, मैक्स अप्लाई करेंगे। तो मीन भी क्या करते हैं, इसमें जो मिनिमम वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा, मैक्स भी में क्या हो जाएगा, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगा। तो हम लोग जब प्रिंट करेंगे इसको, जब प्रिंट करेंगे दोनों को, जब प्रिंट करेंगे तो आउटपुट क्या आ रहा है, 3 एंड 7। सो 3, 5, 7, इसमें से मिनिमम कौन हो गया, 3 हो गया, 3, 5, 7, इसमें से मैक्सिमम कौन हो गया, 7 हो गया, ठीक है। अगर मुझे एब्सोल्यूट करना है तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे, एबीएस लिखेंगे, एब्सोल्यूट 3.77, इसका पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, इसका एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। अगर मुझे पावर निकालना है तो पावर के लिए POW करेंगे, तो अगर मैं PO2.4, मतलब क्या 2 to the power 4 हो गया, ठीक है। तो 2 to the power 4 क्या होता है, 16 होता है। ओके, नाउ अगर मुझे सम अप्लाई करते हैं, सम 1, 2, 3, ये क्या होगा, 1 + 2, 3, इसका आंसर क्या होता है, 6 आएगा। ये जितना भी एलिमेंट है सब सम कर देगा। अच्छा, अगर मैं कहता तो हूँ डीप मोड 10.3, तो डीप मोड 10.3 मतलब क्या, DIV MOD मतलब क्या है कि 10 को मैं 3 से डिवाइड करूंगा, ठीक है। उसका क्वेश्चन होगा 3, उसका रिमाइंडर होगा 1। ये क्या रिटर्न करता है, ये जो रिजल्ट को जब प्रिंट करेंगे तो क्या 3.1 आएगा। 3 क्या हो गया, क्वेश्चन आ जाएगा, 1 क्या, रिमाइंडर आ गया। तो डीप मोड ये क्या करता है, क्वेश्चन एज वेल एज रिमाइंडर दोनों के दोनों रिटर्न करता है, ठीक है। अच्छा, इनबिल्ट राउंड फंक्शन भी है। जैसे अगर मैं करता हूँ प्रिंट राउंड करता हूँ 10.1542, अगर मुझे सिर्फ 2 डिजिट चाहिए तो हम लोग क्या कॉमा लेके 2 लिखेंगे, तो ये सिर्फ 2 डिजिट रहा है। सोचो कि ये 4 डिजिट का है, मैं 6 लिख रहा हूँ, तो ये क्या चारों के चारों आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं 1723 पॉइंट समथिंग है और यहाँ पे 0 लिख रहा हूँ, तो ये जो पार्ट है ये पार्ट सिर्फ आ जाएगा, फ्लोटिंग पार्ट पार्ट जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मुझे सिंगल सिंगल फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे, यहाँ पे एक 1 लिखेंगे, तो 1 लिखेंगे क्या, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक ही वैल्यू आएगा, ठीक है। तो ये 1 क्या है, इसका जो नेक्स्ट नंबर है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, इसीलिए नेक्स्ट वैल्यू आ गया 1 का, क्या 2 आ गया। सो अगर कोई है सपोज 9.3342, अगर ये 2 डिजिट में लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 2 लेता हूँ तो फिर आउटपुट क्या आएगा, 9.33। अगर कोई वही नंबर अगर ऐसा होता है 9.3372, तो 3 का नेक्स्ट वैल्यू जो क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 5 है, तो इसका आंसर क्या होगा, 9.34 आएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे क्या है, 1 1, इसको जब अगर इसको मैं 2 करूंगा तो जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या होगा, 1 6 आएगा। 5 जो है उसका नंबर क्या है, 5 है, 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ठीक है। बट यहाँ पे अगर 1 होता तो इसका 10.15 आता। क्यों आता 10.15, बिकॉज 5 के बाद जो नंबर है ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 5 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग राउंडिंग कर सकते हैं हम लोग। अच्छा, ये कुछ बेसिक है। हम लोग अगर मुझे और कुछ चाहिए है ना, एडिशन, मैक्स, मीन, मैक्स, एब्सोल्यूट पावर, सम, डीप मोड के अलावा भी मुझे कुछ चाहिए, राउंड के अलावा भी कुछ चाहिए, तो हम लोग को मैथ मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंपोर्ट मैथ करेंगे, उसके बाद हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। अच्छा, मैथ में क्या है ये अगर मुझे देखना है तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्प और कोड के अंदर मैथ लिखेंगे। इसको जब एक्सिक्यूट करेंगे तो ये बिल्ट इन मैथ के अंदर क्या क्या है सब कुछ आ गया, आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो क्या क्या कर सकते हैं हम लोग, सीलिंग, कॉम्ब, कॉपी साइन, कॉस, डिग्री, बहुत कुछ है एक एक करके आप चेक कर सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो कि क्या क्या है, कॉन्स्टेंट क्या क्या रिटर्न होगा वो भी आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, तो फिर हम लोग कुछ देखते हैं मैथ में क्या क्या आता है।
SQRT, स्क्वायर रूट, सीलिंग, पावर, रिमाइंडर एंड प्रॉक। तो इंपोर्ट मैथ करना होगा, मैथ डॉट SQRT, 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा 8। अच्छा मैथ डॉट सीलिंग, 1.4 का सीलिंग वैल्यू क्या होगा 2, नियरेस्ट मैक्सिमम वैल्यू, नियरेस्ट बिगर नंबर इंटीजर। मैथ डॉट फ्लोर 1.4 मतलब क्या, नियरेस्ट लोअर इंटीजर नंबर, लेस इंटीजर नंबर। 1.4 का नियरेस्ट लेस इंटीजर नंबर क्या होगा 1 होगा। मैथ डॉट पावर ये क्या होगा 2 to the power 3, इसका आंसर क्या होगा 8। मैथ डॉट रिमाइंडर 10.3, 10.3 मतलब क्या 10 को 3 से डिवाइड करेंगे, इसका रिमाइंडर क्या होगा 1, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर 1 आ रहा है। मैथ डॉट ट्रंक ये क्या करता है, इंटीजर पार्ट को ले लेता है और जो फ्लोटिंग पॉइंट उसको रिमूव कर देता है, तो 10.335 का क्या आंसर होगा, सिर्फ 10 होगा और इंटीजर में आंसर दे रहे हैं। ठीक है समझ में आ रहा है। अच्छा उसी तरह से है, हम लोग क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन, कॉपी साइन, डिस्ट, ईएक्सपी, फैक्टोरियल, एफ मॉड, एफ आर, ईएक्सपी एंड सो ऑन। ठीक है, तो अगर कॉम्बिनेशन, अगर मुझे अगर कॉम इन कॉमा टी के चाहिए, मतलब क्या है मुझे अगर 10C5 चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ डॉट कॉम 10.5, इसका आंसर कितना है 252। बट मुझे अगर परमुटेशन चाहिए, 10P5 चाहिए, उसका परमुटेशन क्या होगा 30,240। तो परमुटेशन के लिए क्या लिखेंगे, मैथ डॉट पी आर एम 10.5। कॉम्बिनेशन के लिए क्या लिखेंगे, मैथ डॉट कॉम। मैथ डॉट कॉपी साइन अगर लिखेंगे तो फिर क्या होगा, जो जो फर्स्ट नंबर है वो क्या करेगा, नंबर तो प्रिंट होगा लेकिन दूसरे का जो साइन है, जो साइन है, जो जो वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगा, तो दूसरे का साइन क्या है निगेटिव है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू जो है वो सेम आ गया लेकिन इसका साइन क्या होगा, उसके बाद वाला का जो साइन है वो आ जाएगा, इसके क्या बोलते हैं कॉपी साइन करेंगे। अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते, यूक्लिडियन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे दो पॉइंट है 2.3 और 4.6, दोनों के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस चाहिए, तो इसकी यूक्लिडियन डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 - 4² प्लस 3 - 6², इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर ये होगा यूक्लिडियन डिस्टेंस, इसका अगर निकालेंगे तो इसका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, तो सिर्फ 2 डायमेंशन नहीं हो, हम लोग 3 डायमेंशन भी ले सकते हैं, और एक नंबर लेंगे तो भी चल जाएगा, मैं 5 ले लिया इसको और यहाँ पे एक मैं ले लिया 4 ले लिया, इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या हो गया 3 डायमेंशन का आ गया, ये दोनों पॉइंट के बीच में यूक्लिडियन डिस्टेंस आ जाएगा। हम लोग बीच में माइनस भी दे सकते हैं, उसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग को माइनस में भी आंसर आ जाएगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मुझे ई टू दी पावर समथिंग कुछ चाहिए, ओके ई टू दी पावर 3 चाहिए, ई टू दी पावर 9 चाहिए, एन चाहिए, तो हम लोग कहेंगे मैथ डॉट ई एक्स पी 3, इसका मतलब क्या होगा ई टू दी पावर 3, इसका आंसर कितना है ई 20.08 एंड समथिंग। मुझे अगर फैक्टोरियल चाहिए, 3 का फैक्टोरियल कितना है 6, उस तरह से हम लोग चेक कर सकते हैं कि 9 का फैक्टोरियल कितना है, 9 का फैक्टोरियल कितना है, ये है मेरा 9 का फैक्टोरियल। अगर मुझे 900 का फैक्टोरियल जानना है तो ये है 900 का फैक्टोरियल, समझ में आ रहे हैं, तो मैं इसको छोटा रखूंगा क्योंकि मुझे इतना बड़ा नहीं चाहिए। तो 6 का फैक्टोरियल कितना है 720। अच्छा उसके बाद फिर क्या है, इफ मॉड ये क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है, तो 10C को 10 को अगर 10 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा 1 होगा, इसलिए 1 रिटर्न हुआ। ठीक है, अगर मुझे कोई भी नंबर का दो पार्ट चाहिए, मल्टीशा पार्ट एंड एक्सपोनेंट पार्ट चाहिए किसी भी नंबर का, तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ डॉट एफ आर ई एक्स पी 2.0, ये नंबर का मल्टीशा पार्ट क्या हो गया 0.25 एंड एक्सपोनेंट पार्ट क्या हो गया 2 हो गया। नेक्स्ट और भी कुछ है तो हम लोग देखते हैं, एफ सम, प्रॉट, जीसीडी, इज इनफाइनाइट, इज इन, इज नॉन, इज क्यूआरटी, हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो अगर मैं इसको जब एग्जीक्यूट करता हूँ तो देखो क्या होता है, एफ सम मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यू है इसका समेशन हो जाता है, सो 1 + 4 + 5 कितना 10 हो गया। प्रॉट मतलब मैथ डॉट पी आर ओ टी, प्रोडक्ट क्या हो गया 1 × 4 × 5, इसका आंसर कितना 20 आएगा। ठीक है, मैथ डॉट जी सी डी 12.16 के बीच में जीसीडी चाहिए, उसका जीसीडी कितना 4 होगा।
चेक करेंगे कि इज फाइनाइट, ये क्या नंबर फाइनाइट है, 10.3 क्या फाइनाइट है, अगर होगा तो ट्रू होगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा, अगर इनफाइनाइट होगा तो फॉल्स हो जाएगा। मैथ डॉट इज इनफाइनाइट, ये क्या इनफाइनाइट है, ये अगर सेम में इनफाइनाइट होता है तो फिर क्या होगा इसका आंसर, ट्रू होगा, अगर इनफाइनाइट नहीं होगा तो फॉल्स होगा। ये क्या इज नॉट ए नंबर, अगर ये नॉट ए नंबर होता तो फिर फॉल्स ट्रू होगा, अगर ये नॉट ए नंबर नहीं होगा तो ट्रू होगा। ये इज नॉट ए नंबर, नहीं इसमें तो नंबर है इसलिए फॉल्स है। मैथ डॉट इज क्यू आर टी आई स्क्वायर एस क्यू आर टी इज क्यू आर टी 18, ये क्या करता है, राउंड राउंड्स ए स्क्वायर रूट नंबर टू डाउनवर्ड्स टू द नियरेस्ट इंटीजर। सो 18 अगर मैं 1, 2, 3, 4, 5 का स्क्वायर करूंगा तो फिर 1, 4, 9, 16, 25, तो 18 क्या आ रहा है, दोनों के बीच में आ रहा है, तो नियरेस्ट नंबर स्क्वायर रूट क्या होगा, 4। सो 18 का नियरेस्ट कौन है, 16, जिसका स्क्वायर रूट हो सकता है 4, इसलिए इसका आंसर कितना है, 4 आया। ठीक है, सो 6, 36, अगर मैं 30 दूंगा इसका आंसर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो मैं चेक करके देखना चाहता हूँ, अगर मैं 30 दूंगा तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, इसका आंसर 5 आना चाहिए। ओके, हम लोग लॉगरिथम भी कर सकते हैं, है ना, लॉग भी कर सकते हैं, इंपोर्ट मैथ मैथ डॉट लॉग 10, मैथ डॉट लॉग 10 मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा लॉग 10 बेस ई, अगर हम लोग कुछ नहीं देंगे इसका मतलब इसका बेस क्या हो गया, ई हो गया, तो लॉग 10 बेस ई का वैल्यू कितना होगा, 2.30। अगर मुझे बेस चाहिए 10 तो क्या लिखेंगे, लॉग 10 10, इसका मतलब क्या होगा, लॉग 10 10, इसका आंसर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अच्छा, फिर लॉग 1p9, इसका मतलब क्या होगा, रिटर्न है नेचुरल लॉगरिथम ऑफ 1 + x, मतलब इसका क्या आंसर होगा, इसका आंसर लॉग ई 9 + 1 10, इसका मतलब आपका पहला और तीसरा का सेम आंसर आना चाहिए, देखो पहला और तीसरा का सेम आंसर आ गया, लॉग 1p9 मतलब ये जो वैल्यू है उससे +1 होगा और ये नेचुरल लॉगरिथम ई टू दी पावर होगा, ई होगा, बेस ई होगा। अगर मुझे बेस 2 चाहिए तो फिर क्या लिखेंगे, लॉग 2 10, इसका मतलब क्या हो गया, लॉग 10 बेस 2। ठीक है, तो अगर मुझे किसी कोई भी बेस चाहिए तो हम लोग क्या लिखेंगे, मैथ डॉट लॉग नंबर कॉमा बेस, बेस 3 चाहिए तो लिखेंगे क्या, मैथ डॉट लॉग 10.3, तो बेस 3 हो जाएगा। तो सोचो कि सपोज एक नंबर है 8, इसका बेस मुझे 3 चाहिए, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट 1.89, ये होगा इसका बेस। ठीक है, अच्छा हम लोग देखते हैं कि कुछ कांस्टेंट भी हम लोग को जरूरत पड़ता है जब काम करते हैं, तो ई का मैथ डॉट ई इसका वैल्यू कितना है, इसका वैल्यू ये है। मैथ डॉट इनफाइनाइट इसको INF लिखते हैं, मैथ डॉट नैन NaN इसको नॉट ए नंबर, मैथ डॉट पाई पाई का वैल्यू क्या होता है ये, मैथ डॉट TAU तो TAU का वैल्यू क्या होता है, 6.28। ये कुछ कांस्टेंट हम लोग को जरूरत पड़ता है, हम लोग इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, इसको कॉल कर सकते हैं। अच्छा, हम लोग को कुछ ट्रिग्नोमेटिकल वैल्यूज भी आ सकते हैं, जैसे साइन कॉस टेन रेडियंस डिग्री, सिमिलरली साइन एच कॉस एच टेन एच हम लोग कर सकते हैं, हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक कोसाइन हाइपरबोलिक टेन। ठीक है, तो अगर मैं लिखता हूँ मैथ डॉट साइन 1.57 तो ये रेडियंस में है, इसका वैल्यू कितना है 1। मैथ डॉट कोसाइन इसका वैल्यू कितना है, इट्स नियर टू द 0। सो साइन 90 क्या होता है, साइन 90, सो अच्छा ठीक है समझ में आ रहा है, तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है रेडियंस में, कन्वर्ट ए डिग्री वैल्यू इन टू रेडियंस, सो 90 डिग्री का रेडियंस कितना होता है, ये होता है 1.57, तो साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये नियर अबाउट 0 है। अच्छा, अगर कोई भी है 1.57, अगर कोई डिग्री है रेडियंस में डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो क्या लिया गया, मैथ डॉट डिग्री 1.5708, उसका एसोसिएटेड डिग्री क्या हो गया, 90 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करता है, ये क्या करता है रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करता है, और साइन इसमें हम लोग क्या पास करना होगा, यहाँ पे रेडियंस का वैल्यू देना होगा और एसोसिएटेड वैल्यू हम लोग को यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है रेडियन में है, ये क्या करेगा, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट होगा, इसके लिए क्या है रेडियन टू डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग। और भी बहुत कुछ है, आप लोग देख सकते हो, मैथ डॉट ई आर एफ, मैथ डॉट ई आर एफ सी, मैथ डॉट गामा, मैथ डॉट हाइपो ओ टी, मैथ डॉट इज क्लोज, मैथ
मैथ डॉट एल डी ई एक्स पी, मैथ डॉट ओके एल जी ए एम एम ए, रिटर्न से लॉग गामा वैल्यू ऑफ एक्स। तो ये सब कुछ जरूरत जरूरत है जो साइंटिफिकली हम लोग यूज करते हैं। अच्छा, कुछ स्पेसिफिक इसके लिए मैथ्स के अलावा भी कुछ बिल्ट इन फंक्शंस रहते हैं, ठीक है। उसमें क्या है, जैसे कि प्रिंट ऑल, ये क्या करेगा, रिटर्न ट्रू इफ ऑल आइटम्स आर इटरेटेबल ऑब्जेक्ट आर ट्रू। अगर इसमें से सब के सब इटरेटेबल है तो ये ट्रू देगा, इसमें से कोई भी अगर एक इटरेटेबल होगा वो ट्रू देगा। ऑल मतलब हो गया कि इसमें से कोई भी अगर इटरेटेबल होगा तो रिटर्न क्या देगा, ट्रू देगा। तो मैं इसके काम करता हूँ, पहले इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या है, पहले का आउटपुट क्या है, ट्रू आया। रिटर्न ट्रू इफ ऑल आइटम्स इन एन इटरेटेबल ऑब्जेक्ट्स आर ट्रू, ट्रू देगा जब सबके सब इटरेटेबल है। ये ट्रू कब होगा, रिटर्न ट्रू इफ एनी आइटम इज एन इटरेटेबल ऑब्जेक्ट, इसमें से कोई भी एक इटरेटेबल होगा तो ट्रू आएगा, सो दूसरा भी ट्रू आएगा। शॉर्टेड, अगर मुझे शॉर्ट चाहिए तो क्या होगा, 7492, इसका शॉर्टेड वैल्यू क्या है, 2479। अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, तो फिर क्या लिखेंगे, शॉर्टेड के बाद डेटा देंगे और रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू लिख देंगे। इसलिए क्या इसका आंसर हो गया, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आ गया, ठीक है। तो ये कुछ इनबिल्ट फंक्शन है पाइथन में जो हम लोग यूज कर सकते हैं। उसके बाद फिल्टर, एक फिल्टर एक काफी इंपॉर्टेंट एक है, जैसे कि ये एक मेरा लिस्ट है, ये एक मेरा लिस्ट को पास करेंगे। उसमें क्या है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, दो एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या है कि एक रिजल्ट हम लोग निकालेंगे, फिल्टर में क्या करेंगे, एक यहाँ पे फंक्शन हम लोग यूज करेंगे है ना, और एक माई लिस्ट को यहाँ पे देख रहे हैं। फंक्शन क्या है, लैम्डा एक्स कोलोन एक्स मॉड्यूलो 2 = 0। फिल्टर क्या करेगा, इस फंक्शंस को इस लिस्ट में इंप्लीमेंट कर देगा और जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट में स्टोर कर देगा, ठीक है। तो मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा, तो इसमें क्या हो रहा है, ये लिस्ट आ गया, इसका लिस्ट क्या हो गया, 0248 आ गया। उसी तरह से एक फिल्टर है जिसमें मैं एक फंक्शन को मैं पास करूंगा जो डिफाइन किया हुआ है, और माई लिस्ट हो गया, ये क्या करेगा, एक एक करके वैल्यू लेगा, अगर ये मॉड्यूलो होगा तो ट्रू देगा, अदरवाइज नहीं देगा, अगर ये इवन होगा तो ये रिटर्न ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स देगा। तो इसके में क्या हो गया, 0 to 4। तो फिल्टर क्या करता है, पर्टिकुलर फंक्शंस को पास करता है, वो फंक्शंस को उस पर्टिकुलर कलेक्शन, इसमें लिस्ट हो सकता है, इसमें सेट हो सकता है, वो इम्प्लीमेंट करता है। हर एलिमेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा, फिर वो रिजल्ट में स्टोर होगा। अब रिजल्ट को जब प्रिंट करेंगे तो हमको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये फिल्टर काफी इंपॉर्टेंट एक है। अच्छा, इन्यूमरेट क्या होता है, इन्यूमरेट में क्या होता है, अगर मैं इन्यूमरेट का पहले एग्जीक्यूट करता हूँ तो इसमें क्या होगा, देखो इसमें क्या हो रहा है, एक लिस्ट है मेरे पास ऑफ द वर्ल्ड थ्रिलर एंड डेंजरस। इसको जब इन्यूमरेट करें, आई इन इन्यूमरेट, इस लिस्ट को जब इन्यूमरेट कर रहा हूँ तो क्या होगा, इंडेक्स के साथ ये इसका इंडेक्स है, उसका वैल्यू भी आ जाएगा। तो ऑफ द वॉल इंडेक्स क्या है, 0, थ्रिलर इंडेक्स क्या है, 1, डेंजरस का इंडेक्स क्या है, 2, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है कि मुझे जिप करना है। जिप अगर करेंगे तो फिर क्या होगा, देखो मेरे पास दो लिस्ट, दो सेट है, दो टपल है, ए मेल एंड फीमेल, ओम इज इक्वल टू जिप मेल मेल कॉमा फीमेल। अगर दोनों को जिप करेंगे और जब ओम को इटरेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जिप क्या होगा, राम सीता कृष्ण राधा और माधव महादेव और पार्वती, ठीक है। तो ये जो दोनों है, ये दोनों जिप होके, दोनों एक साथ मर्ज होके एक साथ इटरेशन होगा, ये एक साथ हुआ, ये इटरेशन जो एक साथ होगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल से आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है कि मेरे पास एक्स इज इक्वल टू आई टी आर है, जॉर्जियाना हिल्टन एंड किम, ठीक है। जब इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट एक्स नेक्स्ट करेंगे तो एक एक करके आगे, पहले जॉर्जियाना आया फिर हिल्टन आया। लेकिन अगर मुझे रिवर्स ऑर्डर में चाहिए तो फिर क्या है, सपोज मेरे पास तीन एलिमेंट है, सेलेना सोफिया एंड केंडल। अगर मैं फिर रिवर्स लिखूंगा तो फिर जब नेक्स्ट वाई करूंगा, यहाँ पे देखो वाई है, नेक्स्ट वाई करूंगा, नेक्स्ट वाई करूंगा तो रिवर्स ऑर्डर में आया, पहले ये आया केंडल आया फिर सोफिया आया। तो इसीलिए हम लोग क्या कि किसी भी लिस्ट को हम लोग इटरेट कर सकते हैं, तो हम लोग का इस तरह से इटरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं, मैं इसको एक्स और वाई को अलग कर देता हूँ तो मुझे लगता है ये समझने में आसानी हो जाएगा।
ये कर दिया इसको, ये कर दिया इसको, फिर यहाँ पे आ गए, ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं आई टी आर इजिक्वल तो अब नेक्स्ट एक्स करूँगा तो फिर क्या होगा, एक एक करके वो आएगा, पहले जॉर्जीना फिर हिल्टन। अब जब रिवर्स करेंगे तो फिर इधर से आएगा, पहले टिंडल आएगा फिर सोफिया आएगा। तो ये है आई टी आर और रिवर्स का एग्जाम्पल। तो एक छोटा सा वीडियो है, हम लोग वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच।